सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे फेज 4 और फेज 3 पे कितना कुछ काम हुआ है। यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये जाकर कनेक्ट होगा जो एलिवेटेड पार्ट, यानी कि यहां पर जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, थोड़े से हिस्से पे अर्थवर्क का काम किया गया है और फिर इस अर्थवर्क के काम को यहाँ पर जो एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है उसमें कनेक्ट किया जाएगा। एक पिलर पे 8 लेन बनाया जा रहा है ये द्वारका एक्सप्रेसवे, यानी कि हमें और आपको ड्राइव करने के लिए ईस्ट साइड 4 लेन मिलने वाला है। और इस रास्ते को हम और आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो मैं सर्विस रोड से होते हुए आगे की तरफ जाता था, लेकिन अभी सर्विस रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस हाईवे के पार्ट पे काम जो है ब्लैक टॉप का वो कर लिया गया है और इसी वजह से हमें और आपको ड्राइव करने के लिए अच्छी खासी जगह मिलती है और हम और आप अच्छी तरीके से इसके ऊपर ड्राइव कर भी सकते हैं। ब्लैक टॉप की जो फाइनल परत है वो नहीं डाली गई है, जो आखिरी परत जिसे कहते हैं वो तो अभी काम किया जाना है, लेकिन इस पर जो दो लेयर डालने हैं उसका काम कर लिया गया है और आखिरी लेयर तब डाला जाएगा जब पूरा काम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर आपको विंग्स दिखेंगे जो कि इस जगह पर रखे गए हैं ताकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है उसमें जो कंक्रीट का ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जिसे कि हम और आप विंग्स कहते हैं उसे कनेक्ट किया जा सके। यहाँ पर ये पिलर्स बहुत पहले बन चुके थे, लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था तभी। इस जगह पर सामने एक अंडरपास भी आपको दिखेगा, ये अंडरपास का काम भी हो चुका है, यानी कि इसके नीचे जो फ्लोरिंग का काम है वो कर लिया गया है। साइड में इसके वॉल बनाना है उसका काम अभी किया जाना है। और मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर यानी कि जो बॉक्स बनाना है उसका भी काम हो चुका है। बीच में इसके पैराफिट वॉल होंगे क्योंकि 8 लेन का पूरा है अंडरपास और 4 लेन आपको और हमें ड्राइव करने को मिलता है। यहाँ पर बहुत कुछ काम आपको देखने को मिलेगा, ब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर जो एलिवेटेड पार्ट है ये जो रिंग सर्कल आप देख रहे हो इसका भी निर्माण किया जा रहा है, तो बहुत कुछ है। तो चलो यहाँ पर पहले आपको ड्रोन शॉट दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस पर काम किया जा रहा है। यहाँ से हम और आप राइट जाने वाले हैं, राइट जाएंगे तो हम दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, लेफ्ट यहाँ से जाऊँगा तो NH8 यानी कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे जा सकता हूँ। यहाँ से सिर्फ मुझे 5 मिनट लगेंगे अगर लेफ्ट लेता हूँ तो, लेकिन मैं लेने वाला हूँ राइट क्योंकि हम और आप तो देखने वाले हैं इस तरफ कि कितना कुछ काम हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे पे।
इस ब्रिज को यहाँ पर अभी असेंबल किया जा रहा है। असेंबल करने के बाद, इसको पुल करने के बाद, ये जो पिलर आप देख रहे हो ना, इन पिलरों के ऊपर डाल दिया जाएगा। पिछली बार के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छे खासे स्ट्रक्चर इसके बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना विशाल है ये स्ट्रक्चर। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हेवी ये ब्रिज होने वाला है। ब्रिज बहुत ही बड़ा है और इसीलिए इसको बनाने में टाइम भी लगने वाला है LNT और उनकी टीम को। जी, फेज़ 4 और फेज़ 3 का जो काम कर रही है कंपनी, यानी कि जो गुड़गांव में जो कंपनी काम कर रही है वो LNT है, और जो दिल्ली में कंपनी काम कर रही है वो है जय कुमार। गुड़गांव में इसका हिस्सा है 19 किलोमीटर का और 10 किलोमीटर का हिस्सा है दिल्ली में। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लॉन्चर पिछली बार इस जगह पर था नहीं, इससे पीछे लगा हुआ था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर ये लॉन्चर आ चुका है फाइनली। और मैं वाइड एंगल से आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर लॉन्चर की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है। गडर्स जो है कुछ हैंग किए हुए हैं, कुछ इस व्हीकल के ऊपर दिखेंगे, जिनकी मदद से यहाँ तक गडर को लाया जा रहा है। और उसके बाद दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तो दिखेगा कि ये जो एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम है वो तो यहाँ पर कर लिया गया है। राइट हैंड साइड में जो आप पिलर देख रहे हैं, ये तो है भाई सर्विस रोड का, उसके ऊपर भी लॉन्चर लगा रखा है और उस लॉन्चर की मदद से भी यहाँ पर ये जो सर्विस रोड को कनेक्ट करने का काम है वो किया जा रहा है। इस मशीन की बदौलत यहाँ पर जो कंक्रीट का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको ऐड किया जा रहा है ताकि एक पिलर पे 8 लेन का बनाया जा सके ये द्वारका एक्सप्रेस वे। और राइट हैंड साइड में एक और आपको लॉन्चर दिखेगा, जी वो लॉन्चर ही है, उसी लॉन्चर की मदद से सर्विस रोड को जो कनेक्ट करना है ना उसका काम किया जा रहा है। ये देखिए नज़ारा, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर काम तो हुआ है भाई, क्योंकि लॉन्चर पिछली बार इस जगह पर था लेकिन आज अच्छा खासा काम करके आगे की तरफ जा चुका है। इस पार्ट पे यहाँ पर एक्सप्रेस लेन भी कनेक्ट कर लिया गया है, जो सर्विस रोड है उसको भी कनेक्ट कर लिया गया है। ऐसा लग रहा है डिज़ाइन यहाँ पर बनाया है, नेचुरल डिज़ाइन है ये। जी, जिस जगह पर ये लाइन आपको नहीं दिखेगी समझ जाना ऊपर फ्लोर का काम जो है, यानी कि कंक्रीट वर्क का जो काम है वो हो चुका है। सामने एक और सर्विस रोड देखने को मिलेगा, ये सर्विस रोड इसलिए है ताकि जो पटौदी रोड है उसको हम और आप क्रॉस कर सके। तो क्या है कि मुझे इस अगर पटौदी रोड से कोई लेना देना है नहीं, मुझे इधर जाना नहीं अगर लेफ्ट, तो मैं अगर सर्विस रोड पर भी हूँ ना तो भी मैं इस एलिवेटेड पार्ट के ऊपर यानी कि इस पुल के ऊपर रख के और सर्विस रोड को क्रॉस कर सकता हूँ अगर मैं एक्सप्रेस लेन पर नहीं भी हूँ तो। एक्सप्रेस लेन तो वैसे हर जगह पर क्रॉस कर ही लाया, इसी वजह से एक्सप्रेस लेन बनाया गया है, क्योंकि एक्सप्रेस लेन पे आपको और हमें स्लो डाउन देखने को नहीं मिलेगा इस जगह पर, क्योंकि आप एक्सप्रेस लेन पे कनेक्ट करने का तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर अगर इस पॉइंट से आते हैं तो सर्विस रोड की मदद से आप ये जो नीचे स्लो डाउन लगेगा इसको अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि राइट हैंड साइड से जो गाड़ियाँ आ रही है वो गुड़गांव की तरफ से आ रही हैं और लेफ्ट यहाँ से जो जा रही हैं वो जा रही हैं पटौदी की तरफ। यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाना है, उसका काम स्टार्ट भी हो चुका है। और ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये गाड़ियाँ आ रही है गुड़गांव की तरफ से, इस तरफ जाएंगी पटौदी। और यहाँ पर भी एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम कर दिया गया है। वैसे तो जितने भी गडर बनाए गए थे वो सभी कास्टिंग आने बनाए गए थे, सिर्फ यही एक पॉइंट है जहाँ पर इसी जगह पर गडर को तैयार किया गया है, इसी वजह से आपको ये फ्रेम दिख रहा है। और इसके आगे जैसे आएंगे तो देखेंगे कि ये जो एलिवेटेड पार्ट है ना भाई वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पर हाईवे का जो पार्ट है उसमें ये मिल जाएगा। हाईवे के पार्ट में अगर मिल भी जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको स्लो डाउन मिलेगा, उस जगह पे भी एक्सेस कंट्रोल है। जी, स्पीड लिमिट कितनी रहने वाली है, स्पीड लिमिट जो एक्सप्रेस लेन है उस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, और जो सर्विस रोड है सर्विस रोड पे 60 या फिर 80 का रह सकता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर हाईवे के पार्ट पे आ भी जाओगे ना तो भी भाई आपको कोई स्लो डाउन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यार एक्सेस कंट्रोल बनाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ पर देखोगे तो एक ऑलरेडी यहाँ पर ब्रिज है, यानी कि फ्लाईओवर बना हुआ है, क्योंकि इसके नीचे से ना रेलवे लाइन गुजरती है, तो इसी वजह से इसको सर्विस रोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दोनों तरफ यहाँ पर जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसके ऊपर हम और आप रहने वाले, इसको भी एज इट इज रहने दिया जाएगा, इसको तोड़ा नहीं गया है, इसको रखा गया है ताकि सर्विस रोड के लिए इसे यूज़ किया जा सके।
यहाँ पर ये वाला जो आखिरी पिलर था पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, तो ये वाला पिलर बनकर तैयार नहीं हुआ था, आज ये भी पिलर बनकर तैयार हो चुका है। एक्सप्रेस लेन को एक पिलर से दूसरे पिलर पे कनेक्ट करने का जो काम है वो भी यहाँ पर कर लिया गया है, और ये जो सर्विस रोड है इसको पूरा तो कनेक्ट कर लिया गया है, सिर्फ ये रोड के नीचे ये जो क्योंकि ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है तो इसी वजह से इसके ऊपर अभी नहीं डाला गया है। अब हम और आप पहुंचने वाले हैं सेक्टर 110 के पास। सेक्टर 110 के पास भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पार्ट है इस पार्ट पे कुछ खास आपको तो देखने को नहीं मिलेगा, पिलर्स तो ये बहुत पहले बन चुके थे। यहाँ पर काम क्या किया जा रहा है, यहाँ पर काम इस वक्त पे तो कुछ नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है NHAI ने 6.5 करोड़ का जो फाइन किया है L&T को ना, उसके बाद से थोड़ा सा सुस्त पड़ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ यार, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेरी थोड़ी ज़्यादा थी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था ना तो उस वक्त पे, लेकिन उसके मुताबिक यहाँ पर काम उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। ये है सेक्टर 113 और यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से अभी किया जाना है कनेक्ट, और इसी वजह से हमें और आपको लॉन्चर भी देखने को मिलेगा। और इस जगह पर 4 लेन का ये सर्विस रोड आपको देखने को मिलेगा, 4 लेन का उस तरफ सर्विस रोड देखने को मिलेगा और 4 लेन का एक्सप्रेस लेन, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई रोड है नहीं तो इसीलिए सर्विस रोड के ऊपर एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर नहीं दिया गया है। और सामने यहाँ पर L&T का आखिरी कास्टिंग यार्ड भी आपको देखने को मिलेगा, आखिरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 कास्टिंग यार्ड है, एक पैकेज 3 में, एक पैकेज 4 में है, और ये है पैकेज 3। इसके बाद से तो फिर जय कुमार का काम स्टार्ट हो जाता है जो कि है पैकेज 2 और पैकेज 1। ये कंक्रीट का एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर रहे हैं, इसके बीच में अभी गैप तो आपको देखने को मिलेगा ही क्योंकि इसके बीच में जो गैप है उसको फिल नहीं किया गया, फिलहाल अभी स्ट्रक्चर ऐड कर रहे हैं, और इसी स्ट्रक्चर को ऐड करने के बाद पूरी तरीके से ये बन जाता है एक पिलर पे 8 लेन का। वैसे पिलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यार, ये देखो कितना हेवी पिलर है, वो भी क्यों ना क्योंकि एक पिलर पे 8 लेन बनाना है तो स्ट्रॉन्ग तो बनाना ही पड़ेगा। इस जगह से एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो फ्लाईओवर का जितना जाल था
वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस जगह पर हाईवे का पार्ट होने वाला है, इसके बाद फिर जहाँ से पैकेज टू स्टार्ट हो रहा है वहाँ से फिर हमें और आपको एलिवेटेड पार्ट देखने को मिलेगा जी, यानी कि फ्लाईओवर। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।